मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी ग्रामीण पार्क का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के तहत प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में बोनस राशि की प्रथम किश्त जारी की। इसके साथ ही विभिन्न नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम का सीधा प्रसारण की व्यवस्था कुरूद ब्लॉक के रीपा गौठान, हंचलपुर और धमतरी के अछोटा गौठान में किया गया। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय किसान पुत्र छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन आज ग्राम अछोटा में किया गया। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में स्व सहायता समूह की महिलाएं इसमें लाभान्वित होगी। ठीक इसी प्रकार से युवा उद्यमी जो व्यापार करना चाहते हैं उनको भी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में भी मौका मिलेगा, लोन लेने का मौका मिलेगा, कार्य करने का मौका भी मिलेगा और शासन पूरी युवाओं को मदद करेगी। इसके लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर रीपा का छत्तीसगढ़ शासन एवं पंचायत ग्रामीण विकास की योजना महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया था। इसके अंतर्गत एक क्षेत्रफल में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों एवं आजीविकामूलक गतिविधियों का संचालन किया जाए, जो रोजगार युवा है उनको काम मिले, उनको स्वरोजगार के प्रेरित करने के उद्देश्य से रीपा का संचालन किया जाए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा वर्चुअल महात्मा गांधी पार्क का लोकार्पण किया गया और इससे जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं उनकी जो चिंता है काफ़ी हद तक दूर होगी। आप देख रहे हैं गांव में बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते, कई बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते, कई बच्चे ऐसे हैं जो 8वीं के बाद। और गांव की जो हमारी महिला है बहुत ज़्यादा जो है पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो घरेलू कामों में व्यस्त रहती है। ऐसी महिला बहनें जो प्रशिक्षित होकर यदि रीपा के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम आते हैं रीपा के बारे में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सरगांव में रीपा का उद्घाटन किया गया, जिसमें कि धमतरी जिले से भी हमारे सभी रीपा यहां पे जुड़े हुए थे और जिले में आज 8 रीपा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आज यहां अछोटा में और हंचलपुर जो कि कुरूद में है वहाँ पर ऑनलाइन से भी हम माननीय सीएम महोदय के कार्यक्रम से